अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज एक न्यू ब्लॉग के साथ हम हाजिर हुए हैं लेकर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज का, क्योंकि आज हम अपनी सारी डेली रूटीन अपने परिंदों की बताएंगे। जैन आपको सारा काम करके दिखाएगा और ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मज़े का भी होगा, उम्मीद है। और इसी के साथ अगर आप हमारा चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़े मज़े के ब्लॉग आते रहेंगे और आपके मज़े बढ़ जाएंगे और आप मज़े करते रहेंगे, और बाकी आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे हमारी मोटिवेशन हो बन जाएगी। तो आज चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले मस्की डाक को बंद करेंगे, क्योंकि ये हमारे कबूतरों को पिजन्स को खाने नहीं देते, उनके घर जाके हमला कर देते हैं और वो सारे डर के उड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आज ये बंद करेंगे आप, तो ठीक है, हमें बंद करेंगे ऐसे घर पर। ये हमारा ना बहुत पुराना टोकरा है, ठीक है, ये तकरीबन आज से 5 साल पुराना टोकरा है। जब हमने मुर्गियाँ ली थी ना पहली दफ़ा, 5 मुर्गियाँ ली थी, उससे पहले भी हमने वैसे रखते रहे थे मुर्गियाँ। जब 5 हमने मुर्गियाँ ली थी ना तब से ये टोकरा है। अभी मैंने टोकरा ये वाला चेंज भी करना है, तो जब ये चेंज करेंगे ना तो अभी तक फिलहाल इसी से गुजारा। ये आप इसकी शक्ल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पुराना होगा। ये हमारा बहुत पुराना, और इसमें हमने काफ़ी सारे अपने परिंदे रखते रहे हैं। अब ये मस्कवी को बंद करने का मकसद ये है, क्योंकि ये जो हमारा असील मुर्गा है और वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक सेकंड खिला दिया, बिल्कुल अभी वहाँ पर उसके साथ खिलाया हमने सबसे पहले, तो अभी फिर इसे बंद कर देते हैं फिलहाल। तो ये आराम से अब मेल को बंद करें, देख लें मेल आ गया माशाल्लाह से, माशाल्लाह इसका वजन बहुत अच्छा है मेल का भी। ये आराम से यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है, शोर कर रहे हैं थोड़ा सा, बात बिल्कुल इनका शोर खत्म हो जाएगा। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी डालेंगे इन सारी, ये जो हमारी कुनालियाँ हैं ना, इसमें ताज़ा पानी डालेंगे। तो ये पानी आ गया, ये हम ऐसे भरते हैं पानी, ताकि हमारे ये अभी मैंने कुनालियाँ साफ भी करनी है, क्योंकि आजकल वक्त नहीं मिल रहा इनका काम करें, क्योंकि आजकल सर्दियाँ दिन छोटे होते हैं तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता। अब मैं जाती अब ज़रा टाइम निकालूंगा, ये फिर इनकी ये सारी सफाई भी करूँगा, इनके फिंगरें भी साफ करूँगा मैं। तो ये देख सकते हैं हम इस तरह से इनके लिए करते हैं, तो हफ्ते में एक दफ़ा इनके लिए मेडिसिन भी डाल देते हैं, जिससे ये मेंटेन रहते हैं हमारे परिंदे। मुर्गियाँ भी काफ़ी बेताब हैं बाहर आने के लिए, लेकिन क्या करें, पहले हमें कबूतरों को खोलना पड़ेगा ताकि कबूतर तसल्ली से खा लें, वरना मुर्गियाँ कबूतरों को खाने नहीं देती। तो अब जैन आगे कबूतरों को खोलने लगा, दाना लेने गया था जैन, अब बस कबूतर खुलते ही आप देखना क्या तमाशा क्या लगने वाला है, असल तमाशा तो उस टाइम शुरू होगा। चलो भाई जल्दी आओ, दाना डाल दिया, दाना मुकम्मल हो गया, अब असल गेम स्टार्ट होने लगी। ये देख सकते हैं कबूतर अब सारे खुल चुके हैं इस टाइम, अभी यहाँ पूरा रश लग जाएगा। और ये वहां से, हाँ सोनू को भी लेकर आना था, सोनू तो गायब है। सोनू का तो मैं हैंड फिट के लिए ला रहा हूँ, फिर उसका भी सोनू की हैंड फिटिंग भी होगी, तो मैं ऊपर से जाके सोनू को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है जल्दी जाइए, आ चुका है हमारे साथ प्यारा सोनू, आ गया। सोनू को भी हम खिलाएंगे और प्यार भी करेंगे बहुत ज्यादा। इस टाइम सोनू आ चुका है, सोनू इस टाइम आराम से फ्री फ्लाई की कोशिश कर रहा है, ये देखो काफी फ्री हो रहा है, देखने में लग रहा है फ्री हो रहा है, देख सकते हैं। तो अभी इसको आपको हम हैंड फिट करके दिखाएंगे कैसे करते हैं, तो सोनू को इधर बिठा देंगे अभी हम। ये सोनू की हैंड फिटिंग का टाइम, सोनू के लिए ताज़ा पानी भरा जा रहा है।
मतलब हैंड फीड मुकम्मल हो चुकी है और आई थिंक कबूतरों ने भी खाना खा लिया। हाँ, बस तकरीबन थोड़ा सा रह गया उनका खाना। कबूतरों ने भी खाना खा लिया तो अब टाइम है मुर्गियों का, अब मुर्गियाँ खुलेंगी। लेकिन मुर्गियों से पहले हमने अपने जो पैरट्स रखे हुए हैं वहाँ पे, इनको पहले हम अंदर कर दें, क्योंकि जो चूजे हैं ना वो बहुत इन पर अटैक करते हैं, तो पहले उनको हमें रखना पड़ेगा अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर रखते हैं। तो ये अब हमारी मुर्गियों के लिए आ चुकी हैं रोटियाँ। ठीक है, हमारी मुर्गियों के लिए रोटियाँ आ चुकी हैं, सोनू भी आ गया हमारा। तो देख लें, ये फुल ऐसे हैंड टाइम होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बिल्कुल हैंड टाइम हो जाएगा। और फिर मैं अपने सारा टाइम साथ ही रखा करूँगा। तो अभी मुर्गियों को खोलने का टाइम है। ठीक है सोनू, खोलें मुर्गियों को। चलो आ जाओ, खोलें। देख सकते हैं आप कैसे मुर्गियां अटैक कर दिया चीज़ों पे, क्योंकि जितना आप इन्हें बंद रखते हैं ना उतना ज़्यादा ये, मतलब आप इन्हें कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ख़तरनाक, डेंजरस भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हैंड टाइम चूजा खड़ा है। ठीक है, देख लो, वो हमारा हैंड टाइम चूजा भी भाग रहा है। ये हमारा सोनू है। तो सोनू को फ्री फ्लाइंग हम इंशाल्लाह देंगे बहुत जल्द, फिर आपको इसकी फ्री फ्लाइंग भी दिखाएंगे। तो उसी के साथ साथ हम बटेरे दिखाते हैं। चले आपको बटेरों की थोड़ी बहुत दे दें अपडेट, बटेरों के बारे में अगर आपको बताते हैं। बटेरे में आप ये बता देंगे ना अपने व्यूअर्स को क्या फीड क्या देते हैं और मतलब इनकी केयर टिप्स। बटेरों को मैं 14 नंबर 13 नंबर फीड और ना बाजरा देता हूँ। अब ये दोनों बटेरे जो है ना वो मुझे फीमेल्स लगती हैं। ठीक है, तो इन्हें तो मैंने मेरा ख्याल है सेल कर दूंगा जहाँ तक मेरा प्रोग्राम है। मैं इन्हें सेल दोनों को करके ना उसके बाद कॉमन बटेरे लाऊंगा। ठीक है, जो कॉमन होते हैं ना वो वाले कोयल्स लाऊंगा, कॉमन कोयल्स। तो अच्छा, इसके साथ है ये भी मतलब बटेरे कैसे, मतलब ठीक है ये बटेरे तो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, लेकिन मेरा ख्याल है ये दोनों फीमेल्स हैं। तो मैं मेरा दिल कर रहा है मैं कॉमन क्वेल्स लाऊं, क्योंकि वाइट क्वेल्स का मेरा शौक अब हो गया ख़त्म, तो मेरा कॉमन का दोबारा शौक हो गया मुझे। तो इंशाल्लाह कॉमन क्वेल्स लाएंगे हम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपको हमारी डेली हमारे बर्ड्स की डेली रूटीन का भी पता चल गया होगा। और इसी तरह फिर हम इनको हैंडल करते हैं, क्योंकि बीच में अगर एक साथ हम सारे खोल दें तो फिर बेचारे कबूतर रह जाते हैं, क्योंकि कबूतर शरीफ जानवर है और शरीफ परिंदा, इसलिए वो बेचारे रह जाते हैं। और ये थोड़े तेज़ हैं परिंदे, जैसे मस्कवी और जो मुर्गे की फाइट होती है, और मस्कवी और मुर्गे की फाइट हम आपको दिखा नहीं सकते, वरना मेरा दिल तो कर रहा था दिखाने का, लेकिन गुनाह भी मिलता है कि उन्हें फाइट करते देख दिखाते रहें और वो लड़ते रहें और हम वीडियो बनाते रहें, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी बुरी बात है। इस तरह हमने फिर पैरट्स को तो अंदर हमें मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि वो चूजे जो हैं वो फिर उनकी दुम को खींचते हैं, मारते हैं, वो बेचारे चीखे मारते हैं। पहले पिछली दफ़ा भी एक ब्लॉग में हम यूँ करते रहे, पीछे वो चूजे उन्हें मारते रहे, फिर हमें उन्हें वो करना पड़ा, फिर आज हमने उन्हें फिर अंदर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको पसंद का आया होगा और आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, उनका सब्सक्रिप्शन आप कर देंगे हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी और इसी तरह हम एंटरटेनिंग व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे और डेली इंटरटेन करेंगे आपको। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।